अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक होंगे और शुक्र है मेरी तबीयत भी अब ठीक है। अब आपसे भी ठीक हो गई थी, पता नहीं नाश्ते में कुछ इस तरह का था जो कैसे अजीब सी तबीयत हो गई थी, बट अब शुक्र है ठीक है। तो आके मैं अपनी लाउंज वगैरह साफ़ करी थी, ये मैं फ्लावर्स अपने ले आई थी बड़े संभाल के, मैंने वहाँ पर भी पानी में रखे थे। और आके फिर मैंने वाज, मेरे पास ऐसा कोई नहीं था, छोटा ही था, तो मेरी स्टेम्स काटने का दिल नहीं किया, तो मैंने लॉन्ग स्टेम्स ही ऐसे लगा दी। वो हालांकि ऐसे बिखरी हुई थी, बट दे वर सो सच लॉन्ग ब्यूटीफुल स्टेम्स। खैर उसके बाद मैंने जी मैं कपड़े इस्त्री करने लग गई थी। आज बड़े दिन के बाद था कि कोई लॉन का सूट निकाल के पहनती हूँ, बल्कि इन पर तो माया लगी हुई थी। और एज सच आयरन उस तरह से नहीं करने थे, बट सीधे ही करने थे, बिकॉज़ वहाँ पर हेल्पर ने सारे उनको अच्छे से आयरन किया हुआ था एक दफ़ा, तो मैं बस सीधा कर रही थी। पैकिंग में ऑब्वियस वो थोड़ा सा हो जाता है, तो वो अच्छा जो मेरा आयरनिंग टेबल है उसके बिल्कुल साथ विंडो है, हालांकि छोटी विंडो होती है लेकिन फिर भी बड़ी मुझे अच्छी फील आती है। उधर आयरन करते हुए मैं भी समझ ना आ रहा हूँ, ये बेसिकली सूट था, एलान का है ये। और कभी दिल करता है इस तरह के कपड़े पहनने का, ट्राउज़र बड़ा अच्छा है इसका, नीचे सारा ये इस तरह था, और सिल्क का दुपट्टा इसका है, बड़ी अच्छी सिल्क है। एक टाइम पे आया था लॉन के जो सूट के साथ सिल्क का दुपट्टा बहुत गंदा कर दिया था, बट दिस वाज वन ऑफ द गुड सिल्क दुपट्टा। तो बस फिर शावर लेती हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला असर की नमाज़ पढ़ूंगी। अच्छा नमाज मैंने असर की नहीं, इनफैक्ट जोहर की पढ़ी थी, बिकॉज अब जैनब के साथ शुक्र है रूटीन इस तरह की बन रही है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। सुबह जब जल्दी उठो तो आपके काम जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो बाय द टाइम आई वाज डन, तो अभी जोहर की नमाज़ का टाइम था। तो नमाज़ पढ़ के तो मेरा था चाय बनाती हूँ, थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे तो वो बस मेरा था जल्दी से धो देती हूँ और साथ ही अपनी चाय रख दूँगी। अच्छा मुझे अपने घर आके बड़ी अब खुशी होती है, ठीक है बंदा बाहर जाता है होटल्स वगैरह आपको फॉर सम टाइम बड़ा मज़ा आता है, बट जो सुकून आई थिंक अपने घर आके मिलता है, छोटा हो बड़ा हो गंदा नहीं हो साफ़ हो, और आई ट्राई माई बेस्ट कि घर को साफ़ ही रखूँ, तो वो सुकून आपको कहीं नहीं मिलता। अपनी मर्ज़ी से आपने जो मर्ज़ी किया, जा मर्ज़ी गए, जिधर मर्ज़ी बैठे, तो वो बस अपना घर एक अपनी जन्नत वाली जो बात होती है ना वो बहुत सच है। तो मैं अभी चाय रखने से पहले ही ज़ैनब उठ गई थी, तो मैंने चाय हल्की आंच पे रख दी और पहले मैंने उसको थोड़ा सा योगर्ट, प्लेन योगर्ट खिला दिया हल्का सा, मैं उसमें कभी नमक या बहुत लाइट सा चाट मसाला छिड़क देती हूँ कि उसका थोड़ा सा टेस्ट हो जाए, तो वो शौक से खा लेती है। और उसके बाद अपनी चाय डाल के ले आई और बैठी, मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रही थी, अल्लाह पाक की हर नेमत के लिए, अल्लाह पाक की हर बरकत के लिए, हर रहमत के लिए। और देखें हम अक्सर ऐसे यूट्यूब पे भी देखते हैं, इंस्टाग्राम और जितना सोशल मीडिया वास्ट हो गया है, तो हमें लगता है कि शायद जो हर दूसरा बंदा है उसकी लाइफ परफेक्ट है, बट आपको नहीं पता कि हर कोई अपनी जगह पे क्या मुश्किल झेल रहा है। रिसेंटली पाकिस्तान में भी जो वाकया हुआ, अपेरेंटली आपको हर चीज़ परफेक्ट लगती है बट आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो इन चीज़ों को जब आप देखते हो तो ये भी शुक्र अदा करते हो कि अल्लाह पाक ने आपको अभी बहुत नेमतों से, रहमतों से नवाजा हुआ है, तो किसी की लाइफ को अपनी लाइफ के साथ कंपेयर ना करें, खुश रहें छोटी छोटी चीज़ों पर, इस तरह ही ज़िंदगी आसान भी होती है, खूबसूरत भी। तो आज खाना आंटी बना रही थी, वो बना रही थी बटर चिकन। मेरी आंटी बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, तो ये था कि ज़रा एक दिन पहले सादा पुलाव खा लिया था, तो आज ज़रा थोड़ा सा बटर चिकन खा लेते हैं। तो इधर पहले उन्होंने मैरिनेट करके रख दिया था, तो मैं भी खड़ी देख रही थी। इधर पहले तो मैं अपना बैग साफ़ कर लेती हूँ, साथ साथ जो एक दो बात करनी वो कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैंने जो बाथ एंड बॉडी वर्क से चीज़ें ली थी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। अच्छा लोगों ने वीडियोस बनाने के लिए ना बड़े अपने प्रॉपर थोड़े से स्टूडियो टाइप चीज़ बनाई होती है या ये सारा कुछ, तो मेरा जो स्टूडियो है वो ये मेरा कारपेट और जानमाजी, और मुझे इस पे इतना मज़ा और सुकून आता है। मैं जब वापस घर आई तो घर मेरी अब आदत एक बन गई है कि मैं घर जाने से पहले, कहीं जाने से पहले घर नीट करके जाती हूँ। ये मैंने बात मैं जो नौश व्लॉग्स स्टॉक से देखती हूँ, तो उधर उन्होंने एक जिक्र किया था कि कोशिश किया करें जाने से पहले साफ़ कर जाऊँ। वाकई ही जब वापस आओ तो हिम्मत नहीं होती और आपको आके शुक्र अदा करते हो कि आप घर साफ़ करके गए थे। तो जब मैं आई थी मेरा घर माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़, बेड बना हुआ, हर चीज़ रूम नीट एंड क्लीन, बट बस आके आप एक दफ़ा हल्का सा झाड़ पूंछ कर लो और फिर हो जाओ। तो मुझे अपना जो ये अपना बेडरूम है, सिंपल है, छोटा है, बड़ा है, जैसा भी है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। इतना जो सुकून मुझे वहाँ पे आता है, वो आप जिस मर्ज़ी 5-स्टार होटल में जाके रह लो, कितने दिन रह लोगे, लेकिन वापस यही होता है कि अपने घर आना है और सुकून भी वहीं पे होता है। तो ये बस चीज़ें जो मैंने बैग से निकाल के रखनी थी वो मैंने साइड पर रख दी, और जो चीज़ें बैग में ही रहनी थी वो मैंने बैग में डाल दी।
जी तो ये चीज़ें मेरी बाथ एंड बॉडी वर्क के साथ साथ निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। एक इनके ये चाई ब्लॉसम वाला मैंने सेट लिया था, इसकी ना ये मैंने ट्राई किया भाई, मैं आयशा पर बहुत लेके आई हूँ अमेरिका से, मेरी कैनेडा से मेरी बहन, तो इसकी स्मेल का मुझे पता था तो ये मैंने ले लिया था। एक तो ये सेट, साथ मैंने इसका शावर जेल भी लिया था। मुझे मीठी स्मेल नहीं पसंद तो मैं इस वजह से आई गो फॉर एनीथिंग दैट्स नॉट मीठा, ठीक है। फिर एक मैंने ये वाला हैंड वॉश लिया था, इनके हैंड वॉशेस बहुत अच्छे होते हैं तो मुझे पसंद होती है, एक तो इनकी स्मेल भी। तो ये जो है ये फोमिंग जेल है, इट्स नॉट लिक्विड, ये फोमिंग जेल है। इस तरह के दो लिए थे, एक मैंने रख दिया हुआ है। देन ये है इनका रोज़ वाटर एंड आईवी, ये आई रिमेंबर मेरी शादी पे सायदा पर जो मेरा लाइन थी ना एक सेट, वो इस वाले का था। तो इसके मेरे पास रूम फ्रेशनर भी है और ये हैंड वॉश था और शावर जेल भी था, तो इससे मुझे वो वाला टाइम याद आता है। तो बाकी ये सामान की एक दो चीज़ें थी, ये था एक क्रीम थी यहाँ पे, बिकॉज जो भी हो लाइक जितनी ड्राइनेस हो जाती है ना समर्स में तो इतनी होती है, विंटर्स में और भी ज़्यादा हो जाती है, तो लोशन और हिंज क्रीम्स के बगैर गुजारा नहीं है। तो मैं एक वो वाला भी शेयर करूँगी आपसे, आई थिंक नहीं इस वाला नहीं, एक और सी वाटर वाला था वो, उसका लोशन जब मैं पाकिस्तान गई थी तो मैं अपनी बहन के लिए तब वो वाले ले गई थी, उनकी भी बहुत प्यारी स्मेल है, तो मैं वो वाले भी शेयर करूँगी। इसके अलावा आंटी ने भी लिए थे, मैंने अभी वो मेरे पास है नहीं पैकेट, तो उसमें वो भी बड़ी प्यारी की स्वीट पीज है, उसकी स्मेल जो मैंने पहले लिया हुआ है हेलो ब्यूटीफुल, वो भी बहुत अच्छा है, तो मुझे इनकी बड़ी अच्छी लगती है, सेल बहुत अच्छी होती है, तो इस वजह से काफ़ी ले लेती हूँ इकट्ठी एक दफ़ा ही। तो इधर बस खाने की भी तैयारी हो रही थी, ये जो चिकन आपने पहले मैरिनेटेड देखा था इसको हल्का से इधर फ्राई कर लिया था आंटी ने, और बाकी जो इसकी एक पेस्ट सी बनती है उसकी चीज़ें तैयार करके रख ली थी। इतने मज़े का बना था, मैं मुझसे गलती होगी कि मैं पूरी रेसिपी नहीं शेयर कर सकी, इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो हम प्रॉपरली वीडियो बनाएंगे और आप लोगों से शेयर करेंगे, क्योंकि वाकई बड़े मज़े का बनता है। अच्छा हमारा प्लान था कि इसके साथ खुब्स, मुझे था खुब्स मंगवाएंगे, लेकिन आंटी कहती कि रोटी बहुत मज़े की लगती है, और मैंने बटर चिकन हमेशा बाहर खाया, घर पे नहीं खाया, तो मेरा दिल भी बड़ा कर रहा था। तो एंड की ये लुक होती है, बड़ा क्रीमी सा, बड़ा उसका मज़े का टेक्स्चर होता है, बड़ा रिच इन फ्लेवर से ही जो कहते हैं ना वो होता है। और आज मैं आपको जी ये मानो से भी मिलाती हूँ, तो अच्छा इसको बहुत शौक होता है इसका, शी रियली वांट्स कि मैं ना इस पे हाथ फेरूँ, बिकॉज मैं यूजुअली बुलाऊँ तो आगे लेट के ऐसे होता है जैसे बिल्लियों का कि उन पे हाथ फेरा जाए, लेकिन मुझे डर लगता है अभी, सो मैं बस इसको दूर दूर से प्यार कर देती हूँ, अभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इसको हाथ लगाऊँ। तो यहाँ पे देखें जी ये फाइनल लुक है बटर चिकन की, उसको बोल में निकाल के उस पर क्रीम डाल दी थी और हल्की सी सूखी मेथी वो ऊपर थोड़ी सी गार्निश कर दी थी, और साथ घर की ताज़ा रोटी बड़े अरसे बाद खाई थी, मुझे रोटी बनाना अभी तक नहीं आई, सीख लूँगी इंशाल्लाह ताला, बट यहाँ पे रोटी बन रही थी और यहाँ पे हमारा खाना तैयार था, तो इसके बाद बस हमने खाना खाया है। सो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।